सुनो बुबू, आज मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम है, इसलिए मैं घर नहीं आ पाऊंगा। तुम अकेला ही सो जाना, समझ गए हो? ठीक है डूडू, मुझे किसी दो। मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है तुम्हें किसी देने का, मैं आ रहा हूँ। अगर डूडू कल घर पे आएगी तो मैं उससे ब्रेकअप कर दूंगी। डूडू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और मुझे अब प्यार भी नहीं करता है डूडू। डूडू मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है। मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग, बूबू बूबू तुम कहाँ पर हो? मुझे बहुत भूख लगा है, तुम जल्दी से मुझे खाना दो। बूबू तुम अभी तक यहाँ पर लेटे क्यों हो? तुमने खाना नहीं बनाया? मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है क्या? खाना कहाँ है? मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत भूख लगा है। क्यों रे, मैं क्यों खाना बनाऊंगी? मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या? जाके खुद खाना बना ले। और मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी ये मुझे तुझसे सीखना पड़ेगा क्या? मैं लेटी रहूँगी या खाना बनाऊंगी ये सब तू मुझे सिखाएगा? मुझे जो मर्जी वो मैं करूँगी। तू होता कौन है रे मुझे ये सब बोलने वाला? जाके खुद का खाना खुद बना ले। अच्छा तो बहुत जबान चलने लगी है तेरी। मैं तुझे खाना बनाने के लिए कहा और तू मुझे इतनी बात कह रही है? तू ही तो हर दिन खाना बनाती है, तो आज क्या हो गया जो तू खाना नहीं बनाएगी? मुझे अपना खाना खुद क्यों बनाना पड़ेगा? तू ही खाना बनाएगी, जाके मेरे लिए खाना बना कर ला। सुन ले डूडू, मैं तेरा घर पर रहूंगी, तेरे लिए खाना भी बनाऊंगी, घर का सारा काम भी करूंगी, और तू मुझे इस तरीके से बात भी करेगा, और ये मैं चुपचाप सह लूंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा, समझ गया है तू? अगर मुझसे बात करना है तो इज्जत से बात कर, वरना मैं तेरे घर पर नहीं रहूंगी। हंस क्यों रहा है तू? क्या हुआ है, मुझे बोल क्यों तू हंस रहा है? क्या मैंने कोई जोक मारी हूँ जो तू हंस रहा है? क्यों हंस रहा है तू, बता मुझे। You are so funny, बुबू। मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, जल्दी से मुझे बता तू क्यों हंस रहा है? तू इस घर पर नहीं रहेगी क्या? मैं ही तुझे इस घर पर नहीं रहने दूंगा। अगर तू घर का काम नहीं करेगी तो, मेरे लिए नहीं खाना बनाएगी तो, मैं ही तुझे इस घर से निकाल दूंगा। डूडू तुम बहुत बदल गए हो। तुम मुझे पहले कितना प्यार करते थे, लेकिन अब मुझे प्यार बिल्कुल भी नहीं करते हो डूडू। तुमने मुझे रोज ऑफिस जाने से पहले किसी देते थे, लेकिन अब मुझे तुम एक भी किसी नहीं देते हो डूडू। मैं तो हर रोज खाना बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा मूड बहुत खराब है, इसलिए मैंने आज खाना नहीं बनाई हूँ। तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं टाइम देते हो डूडू। फिर से स्टार्ट हो गया ड्रामा क्वीन कही की, मगरमच्छ की तरह आंसू मत बहा यहाँ पर। ठीक है, मैं तेरे इस आंसू से नहीं पिघलूंगा। एक काम भी तो तू ठीक से नहीं कर पाती है, और अब मेरे ही ऊपर तू दोष दे रही है कि मैं तुझे अब प्यार नहीं करता हूँ। मैं सब कुछ समझता हूँ, ये सब काम ना करने की बहाना है तेरी। क्या तू मुझे बुद्धू समझा है? मैं सब कुछ समझता हूँ, मैं बुद्धू नहीं हूँ बोबू, और मैं तेरे आंसू में ट्रस्ट नहीं करूँगा। खाना बनाएगी तो नहीं तू, और खाना अगर ना बनाने पड़े इसलिए ही तू ये सब नौटंकी कर रही है, आलसी लड़की कही की। डूडू अब बहुत हो गया है, तुम अब मुझे इंसल्ट कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, समझ गए हो डूडू तुम? चुप हो जा रे
मोटी, मैं तेरी इतनी बात सुनना नहीं चाहता हूँ। तू खाना बनाएगा या नहीं, हाँ या ना? नहीं बनाऊंगी खाना। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ये ले, एक तो तू खाना नहीं बनाएगी, ऊपर से मुझसे लड़ाई भी करेगी। तेरी इतनी हिम्मत, ये ले। डोडू प्लीज मुझे छोड़ दो, डोडू प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत लग रही है। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। तू मेरे खाना नहीं बनाया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सुनो डोडू, मैं इस घर से जा रही हूँ, मैं कभी इस घर पर लौट के नहीं आऊंगी। तुम रहो अकेला ही, मैं तो बुरी हूँ ना, इसलिए मैं इस घर से चले जा रही हूँ। लग रहा है गुस्से में मैं बोबू से कुछ ज्यादा ही बुरा बिहेव कर दिया है। अब मुझे बोबू को प्यार से मनाना चाहिए। बोबू मेरे प्यारे बच्ची, ऐसे रोते नहीं है, मुझसे गलती हो गई है मेरे बेबी। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगा। आओ, ऑफिस में काम के बहुत प्रेशर है ना बोबू, इसलिए मेरे दिमाग ठीक नहीं है। मैं तुमसे ऐसे भी अब कभी नहीं करूंगी मेरे प्यारे बच्ची। आओ मैं तुम्हें किसी दे देता हूँ। चुप हो जा मेरे बच्ची, मैं तुम्हें किसी कर देता हूँ। मेरे प्यारे बेबी, अब मूड अच्छा हुआ है बोबू? हाँ डोडू।